असल मैं यूटूब फैमिली कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे तो ये है शहर का टाइम तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर बच्चों के लिए तो मैं अपने और साहब के लिए वो जो कल मैंने बनाई थी आलू की माँ वाली सब्जी तो हम वो खाएंगे रोटी के साथ और बच्चे खाएँगे मटर और चूँकि बच्चों को और कुछ है नहीं खाने के लिए तो मैंने जल्दी जल्दी से उठ के सुबह में मटर बनाना शुरू कर दिया फिर खानम की वैसे खाने पीने में ज़्यादा नखरे नहीं है लेकिन छोटे खान जो तोबा तोबा इस बच्चे के तो इतने नखरे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अगर ये मटर नहीं होते ना अभी सुबह में तो बच्चा बिल्कुल सहर नहीं करता और वैसे भी दस पंद्रह रोजे उन्होंने बिना सहर के रखे हालांकि सब कुछ बना हुआ था उनके पसंद का ही फिर भी उन्होंने नहीं खाया और वैसे ही उन्होंने पानी पीकर सिर्फ रोज़ा रखा था पता नहीं उनको खाने से क्या मसला है अगर वो रात में डिनर कर लेते हैं तो फिर तो फिर वो सुबह में नहीं उठते हैं सहर करने के लिए और फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं अपने अबू के साथ मस्जिद जाके आते हैं लेकिन सहरी खाना पता नहीं उनके लिए इतना बड़ा मसला क्यों है तो मैं बार बार कहती रहती हूँ बेटा उठ जाएँ खा लें आ, अगर मैं कभी नहीं उठती हूँ तो आप बेशक बिना सहर का रह लें लेकिन पता नहीं वो बच्चा कुछ सुनता ही नहीं है बात और फिर उठ के वैसे ही बातें करने लगते हैं बैठते हैं <laughs> मगर खाते नहीं हैं कुछ भी और यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही है जल्दी जल्दी से वहाँ पर मैंने उनके लिए चावल अभी फ्राई किए हैं उनको जो मटर के साथ चावल खाना बड़ा ही पसंद आता है तो मैंने कल के जो चावल थे उसको मैंने अभी सुबह में उठ के तेल और मिर्ची के साथ फ्राई कर दिया सिंपल ही फ्राई किया हुआ है कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ है तो शहर में हम सिर्फ एक एक रोटी खाते हैं इसके अलावा और कुछ खाने की गुंजाइश नहीं होती है सब लोग कहते हैं कि आप इतनी रोटी बनाती हैं एक खा के भी बस हो जाता है और यहाँ पर खाना हम जो है कभी आधी खाती हैं कभी पाव खाती हैं कभी एक खाती हैं इनका जो है अजीब सा सिस्टम है कभी एक रोटी पूरी खा नहीं सकती हैं तो देखिए शहर से मैं गई हूँ एक तो इफ्तार में तो यहाँ पर मैंने आज अच्छा बड़ी ही मजे का दालगोश बनाया था साथ ही बगारे हुए चावल थे उसके अलावा बच्चों को जो है उन्होंने अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लिया था बर्गर वगैरह और यहाँ पर मैं और साहबा भी ये खाएंगे दाल चावल और बच्चे खाएंगे अपने अपने बर्गर आज चूंकि हम लोग बाहर गए हुए थे दोपहर में तो आने तक हमें जो है फ़ोर थर्टी हो रहे थे थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया आने के बाद उसके बाद मैं किचन में गई थी तकरीबन पाँच या साढ़े सवा पाँच बजे मैं गई थी किचन में और इतना जल्दी मैंने ये बना लिया था फिर और यहाँ पर बच्चों को जो है जब मैं बना रही थी तभी से इनके जो है मुँह बन गए थे कि दाल गोश्त बना रही हूँ तो फिर क्या कर सकते हैं तो वो जो है अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था उन्होंने तो यहाँ पर जी ये है नेक्स्ट डे तो मैं जो है तैयार हो गई हूँ सुबह के सारे मेरे काम मुकम्मल हो चुके हैं नहा धोकर हम तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर जो है तकरीबन एक बजे तक पानी चला जाता है फिर तो उससे पहले सारे काम मुकम्मल करने होते हैं तो क्या लेके आई थी मैं जब मैं बाहर गई थी तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं लेने गई थी अपने लिए जूते क्योंकि मेरे जूते जो है सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस मरतबा जो है अपने लिए जूते ख़रीदूँगी क्योंकि कपड़े वगैरह तो मेरे पास नहीं अलहमदिल्ला तो मैं जो है अपने लिए इतने सारे जूते लेके आई हूँ जिसे देख आपका भी दिल खुश हो जाएगा इतने खूबसूरत और प्यारे जूते हैं सारे के सारे जिनके रंग भी इतने ही खूबसूरत हैं और मुझे तो बड़ी अच्छे लगे जैसे ही मैंने इनको देखा मेरा दिल खुश हो गया और जितने भी वहाँ पर पेड़ रखे हुए थे जितने भी मेरे साइज़ में थे सारे के सारे मैंने फिर उठा लिए थे क्योंकि जूतों का साइज एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होता है कपड़े वगैरह चेंज हो जाते हैं या हम दुबले होते हैं यहाँ पर हम मोटे हो जाते हैं लेकिन जूतों का साइज़ जो है कभी चेंज नहीं होता है तो अलहमदिल्ला सारे जूते देख लीजिए कितने खूबसूरत हैं कितने प्यारे हैं और रंग बिरंगे हैं और सबसे ज़्यादा मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो ब्लैक कलर के मैंने तीन चार जोड़े लिए हुए हैं सारे जूते मैंने बाटा से ही खरीदे हैं और बाटा में इस मरतबा इतने अच्छे जूते आएंगे ये मैंने सोचा नहीं था और देखिए जूतों की क्वालिटी देखिए कितने खूबसूरत ये जूते हैं बहुत अच्छे हैं और सारे के सारे जैसे पहले भी मेरे पास जो भी जूते हैं वो इसी किस्म के हैं और वो सब नीचे से ऊपर से सब जगह से जो है ख़राब हो चुके हैं तो यहाँ पर ये मैंने पहले लिया हुआ था ये हश पपीस के जूते हैं बहुत ही ख़ूबसूरत हैं और बहुत ही कम्फर्टेबल भी हैं तो इस मरतबा मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग रंग के इस मरतबा जूते ख़रीदूँगी जैसे कि ये इससे पहले मैंने ये कलर वाला जूता कभी नहीं पहना तो मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगा बहुत प्यारा लगा और ये तो इसकी तो क्या ही बात है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मेरा जो साइज़ है बहुत ज़्यादा छोटा है तो छोटे होने की वजह से कभी कभार मुझे जूते मिलते है नहीं हैं जो भी होते हैं या बड़ा साइज होता है या फिर साइज ही नहीं होता है तो देखिए ये कितना खूबसूरत सिल्वर कलर है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस टाइप का कलर मेरे पास पहले नहीं था ब्लैक रेड पिंक वगैरह तो मैंने बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं तो ब्लू भी देखिए आप कितना खूबसूरत है तो ये जो ब्लैक यहाँ पर रखा हुआ है ये इसका सेम टू सेम है और साहब कह रहे थे कि क्या सेम सेम जूते ले रही हो आप तो मैंने कहा जब मेरे साइज़ में मुझे जूते मिल रहे हैं तो मैं ज़रूर लूँगी और अलहमद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे नए जूतों का कलेक्शन आपको कैसा लगा तो यहाँ पर मैं भी जो आ, पुराने वाले जूते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ वो भी किस कदर खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारे हैं तो यहाँ पर ये यह खानम के और ये मेरे एक फ्लैट चप्पल हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और ये भी चप्पल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरह के रंग बिरंगे जिस पे डिज़ाइन बने होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे पास एक से पड़े हुए हैं जिसे मैंने आज तक नहीं पहना पता नहीं अजीब है दोनों साइड पे भी रखो इसको उल्टे नज़र आते हैं तो यहाँ पर ये है मेरे एक स्लीपर जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये जूते तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि ये हैं इतने ख़ूबसूरत और इसका डिज़ाइन भी माशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये हैं खानम के जूते जो खानम ने आज तक नहीं पहने तो पहले हम लोग मैक्स में से बहुत ज़्यादा जूते लिया करते थे लेकिन आजकल मैक्स में जो है कुछ अच्छे जूते मिल ही नहीं रहे हैं बहुत मरतबा मैंने जा जाकर देखी कि मुझे कुछ जूते लेने थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब बाटा का रुक किया तो वहाँ पर देखा कि इतने खूबसूरत जूते आए हुए हैं तो मेरा तो भाई दिल ही खुश हो गया इन जूतों को देख कर देखिए भी कितने खूबसूरत हैं इसमें से जो दो जूते हैं वो मैंने पहले लिए हुए थे और ये जो पिंक कलर आप देख रहे हैं जो जिस जिसपे चेक्स बने हुए हैं और वो हषपी वाला जूता लेकिन अभी ये सारे जूते मैं लेके आई हूँ और यहाँ पर मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट साइज़र बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं तो चलिए फिर मैं आपको जो है अपनी ड्रेस बताती हूँ जो ईद के दिन मैं पहनने वाली हूँ और चूंकि मैंने कोई कपड़ों की शॉपिंग की नहीं है जो मेरे पास पहले से रखा हुआ था एकदम ब्रांड न्यू तो वो मैं अभी निकालूंगी आपको बताऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ अपनी ईद पे तो माशाल्लाह आपको मेरे जूते जो है कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अलहमदिल्ला तो यहाँ पर देखिए मैं लेके आई हूँ ड्रेस जो मैं ईद पे पहनना करके सोच रही थी लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया है ये मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लॉन्ग ड्रेसेस हैं तो वैसे आजकल मुझे जो लॉन्ग ड्रेसेस पहनने का बहुत सवर हुआ हुआ है तो मैंने ये ख़रीद लिया फिर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं तो थोड़े से लूज हैं क्योंकि इसमें साइज ही नहीं था मैं मैंने सोचा कि मैं इसको जो है टाइट करवा लूँगी खुद से ही तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल और एकदम कूल है बिल्कुल इस सीज़न के लिए एकदम मुनासिब है ये ड्रेसेस बिल्कुल पहनने के बाद इसमें गर्मी नहीं होगी बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आपने कुछ पहना हुआ है तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसके इसका दुपट्टा भी इस कदर मतलब नेट का है और नेट के दुपट्टे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि पहन के ना पहनना और ना पहनना एक बराबर होता है इसमें तो यहाँ पर ये इसके कमर में दिया गया एक बेल्ट है इस तरह से ये ड्रेस जो है टाइट हो जाएगा फिर मुझे सिर्फ इसके बगल में टाइट करने हैं और थोड़े से आस्तीन टाइट करने हैं वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी तो मैंने सोच लिया कि मैं ईद पे जो है ये ड्रेस पहनूंगी ये तो इससे भी ज़्यादा ठंडा ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है क्योंकि यहाँ पर आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है मतलब बेंगलुरु में वैसे गर्मी होती नहीं है लेकिन आजकल इस कदर गर्मी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यहाँ का भी मौसम जो है बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हो गया है आजकल <laughs> तो ये देखिए कितना खूबसूरत यह ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा और पिंक कलर और ब्लैक कलर तो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर हैं बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे पास आपको पिंक या ब्लैक में नज़र आएंगे या फिर रेड कलर तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये भी एक लॉन्ग फ्रॉक है मैं अभी आपको इसको पहन कर बताऊँगी तो यहाँ पर मेरी प्यारी सी बच्ची आ गई मेरी मदद करने के लिए तो ये जो है सारे जूते इस बैग में रखेंगी अभी मुझे इसे जगह बनाना है कि मैं इसको कहाँ रखूँगी क्योंकि यहाँ की जो बाहर शू रैक है वो सारे के सारे फुल हैं और बाहर वाला भी शू रैक फुल है और जो मुझे नहीं पहनने जूते जो ज़्यादा ख़राब हो गए वो मैं कल बैठ के निकालूँगी इन तो यहाँ पर देखिए मैं पहन कर आ गई हूँ तो आपको मेरा एड्रेस कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है बहुत ही ज़्यादा कूल है बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी है और पहनने के बाद एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था इससे मैं पहन कर काम भी कर सकती हूँ ईद के दिन सब कुछ कर सकती हूँ ऐसे मैं ईद के दिन कभी तैयार होती नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि मैं सो जाती हूँ दोपहर में सारे काम करने के बाद तो इस वजह से बहुत कम मरतबा ऐसा होता है कि मैं रेडी होती हूँ ईद पर तो यहाँ पर अभी मैं लेने के लिए जा रही हूँ छोटे खान को स्कूल से तो मैं और ख़ानम जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी रखी हुई है कार माशाल्लाह तो चलिए फिर अभी हम चलते हैं छोटे खान को लेने के लिए तो इनको हम स्कूल से लेके आ गए थे दोबारा से बच्चे के जो है कुछ क्लासेस थे स्कूल में तो वापस मैं इनको छोड़ने के लिए जाऊंगी अभी तो ये था आज का मेरा बड़ी ही मजे का वीडियो तो आज का आपको मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा अपनी दुआओं में याद रखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए आमीन अस्सलाम वालेकुम